अलीगंज जाने मार्ग वाले मार्ग पर कितना ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नवाबगंज से अलीगंज जाने वाला मार्ग जो कि 25 मिनट का रास्ता 25 किलोमीटर का है, जिसमें आने जाने में समय लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। और चूंकि अभी मैं अलीगंज मार्ग से ही आ रहा हूँ, अभी 2 एक्सीडेंट हुए, इतने गड्ढे हैं कि यहाँ से क्रॉस होना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जो है सर मोहम्मद नौशाद कुरैशी है, और अभी मैं रास्ते में आया तो 2 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और ये सड़क इतनी ख़राब है कि हम यहाँ से 2 घंटे से पहले अलीगंज का मार्ग कंप्लीट नहीं कर सकते। नवाबगंज से अलीगंज मार्ग जाने वाले पर मार्ग पर कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? अरे अलीगंज मार्ग पर जाने वालों पर मार्ग पर इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतने गड्ढे हैं, कोई कोई तो इसमें गिरकर चोट भी लग जाती है, डेली एक साइड एक्सीडेंट भी होते हैं इससे रोड पे, और सबसे ज़्यादा बदतर रोड यही है जिला भरे में सबसे नीचे रोड। मानिए योगी आदित्यनाथ का कहना है गड्ढा मुक्त सड़क का, योगी आदित्यनाथ का गड्ढा मुक्त सड़क है, मुक्त को कोई दिख ही नहीं रही है, यहाँ तो सारे गड्ढे ही हैं आखिर तक। अच्छा, गड्ढा युक्त दिख रहा आदेश में जो है। फरुखाबाद नवाबगंज अलीगंज मार्ग पर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं आप, कितने बिकट गड्ढा है। कितना समय लग जाता है लगभग? अरे फरुखाबाद से 1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राम पवन। कहाँ के रहने वाले? राजा ग्राम। अरुण कुमार जी, जलभराव से क्या परेशानी हो रही है? जलभराव से साहब हमें आने जाने में बहुत समस्याएं हो रही हैं, कोर्ट कचहरी नहीं कर पा रहे हैं, एसपी ऑफिस नहीं जा पाते हैं। क्यों, क्या वजह, क्या दिक्कत है इससे? इसमें साहब जलभराव बारिश के कारण इसमें जल भर जाता है और गहरे गहरे गड्ढे हैं, जैसे गाड़ी या बाहर निकलने में बहुत समस्या होती है। किसी अधिकारी ने किस पर रुचि ली की? नहीं साहब, सूचना तो की थी लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। थैंक यू।
दादा क्या नाम है आपका? आप कहाँ पर रहते हैं? हम पल्ला पे। आपकी दुकान कहाँ पे है? पीपल के नीचे। आपके सामने कुछ दिन पहले सड़क बनाई गई जो इस टाइम बहुत खस्ता हाल है, क्या है मामला इसका? कितनी बार बन चुकी है और कब से खराब पड़े? लगभग 6-7 बार बनी, इस पर काम होता रहा, मरलम पट्टी चलती रही, काम नहीं हुआ जिस तरीके का होना चाहिए। मतलब इसका मटेरियल पड़ना चाहिए तो उसका मटेरियल नहीं पड़ा, इसीलिए ये सड़क उखड़ गई। तो बारिश हुई, पानी सफाई गया उसमें से। कई बार उन लोगों से कहा कि मतलब इसे बनाओ या तो कायदे से बनाओ, ये भी तो बनी हुई है सड़क, ये वाली जो बनी हुई है ये क्यों नहीं टूटी? मुख्यमंत्री के आदेश है कि किसी भी टेंडर में जो ठेकेदार होता है वो कोई सड़क बनाएगा 5 साल तक अगर नहीं टूटनी चाहिए। ये कितने दिनों में टूट गई? ये 15 दिन नहीं चली भाई साहब, एक महीना 15 दिन नहीं चली, हो चुकी है।